हमारे साथ हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शत्रुघ्न चतुर्वेदी जी, उनसे बात करते हैं। शत्रुघ्न जी, इस तरह का नतीजा कि शायद लीडर ऑफ अपोजिशन भी अब कांग्रेस का ना हो सके, ये एक हमारे लिए झटका है, धक्का है, अनपेक्षित परिणाम आए। शायद हम जनता का मूड समझ पाने में नाकाम रहे, लेकिन अब परिणामों को देखते हुए ये बात स्पष्ट है कि देश के मतदाता परिवर्तन के पक्ष में थे और उन्होंने परिवर्तन भी बहुत सोच समझ कर किया। भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने इतना बहुमत दे दिया है कि अब भारतीय जनता पार्टी के पास कोई बहाना नहीं। वो जो बहुत बड़े बड़े ख्वाब भारतीय जनता पार्टी ने दिखाए हैं, उन्हें पूरा करने की जिम्मेदारी अब भाजपा और उसके नेतृत्व पर। सरकार की नाकामी है, ये डिफीट सरकार की है या पार्टी की है? देखिए, जब हम 10 वर्ष तक सत्ता में रहे तो बहुत अच्छे काम करने के बावजूद भी कहीं ना कहीं हम लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने में असफल भी होते, सारी आकांक्षाएं पूरी नहीं हो पाती। फिर एक मनह स्थिति बनती है मतदाता की। मतदाता ने यह विचार किया कि भाई 10 वर्ष बहुत है कांग्रेस को दिए, अब दूसरों को अवसर देना चाहिए। सर, नेतृत्व की रणनीति पे फिर सवाल नहीं उठते? राहुल गांधी जी की लीडरशिप में आप लोगों ने चुनाव लड़ा था, तो रिफ्लेक्शन तो उनकी लीडरशिप पर भी। राहुल गांधी जी हमारे नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने चुनाव में और पूरे देश में घूम घूम कर पार्टी के लिए प्रचार भी किया। लेकिन चुनाव जीतना और हारना कभी किसी एक व्यक्ति के कारण नहीं, पूरी टीम से होता है। सर, ये सवाल भी उठ रहे हैं, मैं पूछना चाह रहा था आपसे कि उनकी टीम को लेकर के बहुत सवाल उठ रहे हैं अंदर खाने। कांग्रेस के कई नेताओं ने भी कहना शुरू कर दिया है कि जिस तरह के उनके एडवाइजर्स थे, शायद उसकी वजह से डिफीट हुई, आपको लगता है? जब पराजय होती है ना, तो सद्गुण भी दुर्गुण दिखाई देने लगते हैं और ये समय ऐसा ही है। थोड़ा सा ठंडे दिमाग से इस पर हम अपना चिंतन करेंगे, हमसे कहाँ चूक हुई। चूक तो हुई और उसे सुधारने की एक ईमानदार कोशिश करेंगे। नरेंद्र मोदी को बधाई देते हैं आप व्यक्तिगत तौर पर? निश्चित रूप से, लोकतंत्र में हमारे वैचारिक मतभेद होते हैं, लेकिन जो भी व्यक्ति इतने बड़े विशाल बहुमत के साथ जनादेश लेकर आया है और इस देश का प्रधानमंत्री बनेगा, वो किसी एक दल का प्रधानमंत्री नहीं, भारत का प्रधानमंत्री होगा। भारत के प्रधानमंत्री को निश्चित रूप से बधाई दूंगा।